भारत देश के अंदर कई सालों से एक विशिष्ट जाति समुदाय के लोगों को अपमानजनक और असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कई सालों से चल रहा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ 2-3 बार अप्लीकेशन किए थे कि आप इस शब्द को हटाइए, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं होने के वजह से हमने माननीय उच्चतम न्यायालय नागपुर यहां पर एक जनहित याचिका दायर की थी। There is no place of word Dalit in the entire Constitution of India. Dr. B.R. Ambedkar never used the word Dalit in the Constitution. Under Article 341, the term is Scheduled Caste. So that is a constitutional term and that is having the dignity. दलित शब्द दलित प्राइड से जुड़ा हुआ है और दलित को इस शब्द से एक ताकत मिलती है और इसको दलितों ने स्वयं स्वीकारा है। शेड्यूल कास्ट एक टर्म है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1935 में। शेड्यूल कास्ट एक कास्ट नहीं है, एक शेड्यूल है जिसमें सारी अनटचेबल कास्ट उसमें जोड़ दी गई हैं। तो इसकी अगर इससे दलितों को तकलीफ नहीं है तो सरकार को और कोर्ट को क्यों तकलीफ है कि दलित शब्द हटा दिया जाए। ২০০৬ में महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव में बहुत मांगे परिवार की जो हत्या हुई थी, उस हत्या से पूरे भारतवर्ष में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि केवल पिछड़े जाति के और निचले परिवार के होने के वजह से उस परिवार की वहां पर जातीय देश भावना के साथ हत्या हुई थी। उस जाति समुदाय के लोगों के साथ में इसके बाद में कोई अन्य अत्याचार की घटना ना हो, इसलिए हमने इस लड़ाई को शुरू किया और हम ये चाहते हैं कि इस भारत देश में सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर रामदास अथावले फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वन ऑफ एनडीए's allies, has announced that his party will approach the Supreme Court challenging the advisory issued by the INB ministry. Athavale says that most Dalit groups do not have a problem with the term Dalit and that it gives them a sense of pride. When we are directly calling somebody as inferior, somebody as lowest caste, then it hurts the very dignity and self-respect of the individual. So therefore, this Dalit word is illegal. संविधान ने जो हमें सम्मानजनक अनुसूचित जाति जो शब्द दिया है, उसका इस्तेमाल करने से इस देश के अंदर जो जातियों में जो भेद है, वो भेद खत्म हो जाएगा।